चारदास कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मशरूम मसाला बनाने सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं ये प्याज। प्याज मैंने दो बड़े लिए हैं और इसको लंबा लंबा काट लिया है कुछ इस तरह से, क्योंकि जो मशरूम मैंने लिए हैं वो बटन मशरूम है, तो इस हिसाब से थोड़ा लंबे प्याज रखेंगे तो अच्छा लगेगा। मशरूम मैंने लिए हैं 3 पैकेट, एक पैकेट 200 ग्राम के लगभग है, तो लगभग 600 ग्राम मैंने लिया है। नमक स्वादानुसार। दही मैंने लिया है 1 कप, यानी 200 ml के लगभग, और ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। लहसुन मैंने 2 बड़े लिए हैं और अदरक 1 बड़ा टुकड़ा, और इसी में से कुछ प्याज के टुकड़े मैंने मिक्स कर दिए थे। तेल ज़रूरत अनुसार मैं 2 बड़े चम्मच डालूँगी। और जो मसाला हम डालेंगे उसमें पहले डालेंगे जीरा 1/2 चम्मच, चिल्ली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और धनिया पाउडर 1.5 चम्मच। गरम मसाला मैं 1/2 चम्मच या 1 चम्मच डालूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मशरूम मसाला। ये मैंने एक नॉन स्टिक पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे तेल। तेल आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गरम होगा हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा, सूखा जीरा। ये मैंने लिया 1/2 चम्मच जीरा। जीरे का रंग चेंज हो चुका है, अब इसमें मैं हरी मिर्च डालूंगी। इसके साथ ही मैं प्याज डाल दूंगी। तो इसे हम अच्छे से एक बार मिला के छोड़ देंगे ताकि इसका कलर थोड़ा गुलाबी रंग का हो जाए। प्याज को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको एक बार हल्के से हिला लेते हैं ताकि नीचे जो प्याज है वो भी अच्छे से गुलाबी रंग के हो जाए, थोड़ा पक जाए। थोड़ा ज़्यादा भी पक जाए तो कोई खर्च नहीं, हमें बस इसे अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को हम थोड़ा हिला लेते हैं। अब इनमें हल्का सा कलर आ गया है गुलाबी रंग, तो इसमें हम मिला देंगे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। हमें इस पेस्ट को तब तक भूनना है कि जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए, यानी इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो चली जानी चाहिए। इस मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे इसका स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। आग का फ्लेम मैंने तेज रखा है ताकि इसका कच्चापन जल्दी से ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये मसाला भुन जाएगा इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी। मसाले में अच्छी खुशबू आने लगी है, तो इसको थोड़ा भून कर आंच थोड़ी मीडियम साइज की कर देते हैं। फिर उसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे। गैस मैंने मीडियम पर कर दी है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँ। सबसे पहले मैं हल्दी ऐड करूँगी, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आपका फ्लेम मीडियम रखना है, क्योंकि अगर हम तेज रखेंगे तो ये मसाले जलने का डर रहता है। अब ये देखिए ये मसाला गाढ़ा हो गया है। इसको 1-2 मिनट भूनकर इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। फिर गैस को बेशक हम हाई फ्लेम पे रख देंगे। तो बस ये देखते रहना है कि मसाला किस तरह से पक रहा है, तो आग का फ्लेम हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। देखिए मसाला अभी भून चुका है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। देखिए ये तेल छोड़ने लगा है थोड़ा सा, हाँ, तो हम टमाटर ऐड कर देते हैं। अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं हाई।
इस टमाटर को इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी नमक डालेंगे तो ये बहुत पानी छोड़ देगा। तो हम मशरूम ऐड करने के बाद देख कर इसमें नमक डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फ्लेवर हम थोड़ा मीडियम कर देते हैं। इसे हम ढक कर बिल्कुल नहीं पकाएंगे, क्योंकि ढकने से बहुत पानी रिलीज करेगा और मसाला उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको हम खुले में पकाएंगे। तो ये अच्छे से पकने लगा है, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर अभी हम मशरूम ऐड करेंगे तो मशरूम के साथ ही ये टमाटर भी पक जाएंगे अच्छे से। तो इसको 2 मिनट पकाकर हम मशरूम ऐड कर लेते हैं। देखिए अब इस मसाले में थोड़ा तेल छूटने लगा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें मशरूम मिक्स कर देंगे। ये 600 ग्राम के लगभग है मशरूम। अब इसको आराम से मिक्स कर देते हैं। ये जो भी मसाला भुना है इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए इसमें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा। इसे ढक के बिल्कुल नहीं पकाना, ऐसे ही ओपन में पकाएंगे। यहाँ पर आपका फ्लेम थोड़ा हाई कर देते हैं। बहुत ही आराम से हमें मिक्स करना है। ये जिस तरह से मशरूम हमने काटा है इसकी शेप खराब नहीं होनी चाहिए, तब देखने में खूबसूरत भी लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये। अब ये हो चुका है मिक्स। अभी भी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा ये अच्छे से भुन जाए उसके बाद ही हम नमक ऐड करेंगे। इसको मैंने तेज आंच पर पकाया है। इसको पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा पानी रिलीज होगा, तो इसको बाजार में से हिला। अगर आपको ये लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। मैंने अभी भी फ्लेम हाई पे रखा है ताकि ये मसाला अच्छे से मशरूम में मिक्स हो जाए। मशरूम को पकते हुए 2 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और ये थोड़ा तेल भी रिलीज़ कर रहा है, पानी भी साथ ही रिलीज़ हो रहा है। इस स्टेज में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। मैंने 2 छोटी चम्मच नमक ऐड की है। इसको मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अभी भी हाई पर ही है। देखिए नमक डालते ही इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। तो आपका फ्लेम बिल्कुल हाई रखें ताकि ये पानी पानी ना हो जाए, इसका पानी जल्दी से सूख जाए। अभी हमने इसमें दही भी ऐड करना है, उसके बाद ही ये मसालेदार करी अच्छे से बनकर तैयार होगी। दोस्तों मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और ये लगभग ड्राई होने वाला है। साइड में अच्छे बबल भी आ रहे हैं। बस इस स्टेज पर हम दही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम आंच थोड़ी धीमी कर देते हैं ताकि दही फट ना जाए। तो मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। आंच को मैंने कम कर दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी दही को मैंने अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है।
तो अब इसका फ्लेम में हाई कर देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए और मसाला थोड़ा ड्राई हो जाए। देखिए मसाले पर ये लाल से रंग आने लगा है। अब इसमें हम लास्ट में ऐड करते हैं गरम मसाला पाउडर जो कि हमने अब तक नहीं डाला था। मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच। तो सच मानिए ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि इसकी डिमांड बहुत हो जाती है। हर कोई इसे भर भर के खाना चाहता है लेकिन ये जितना मर्जी बनाओ इसकी शॉर्टेज हमेशा ही रहती है। तो बस ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हरी धनिया पत्ती से सजाएंगे। आप चाहें तो अभी भी थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डाल सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। आपका फ्लेम अभी भी हाई है क्योंकि बहुत पानी छोड़ती है मशरूम, तो इसको हाई ही रखना है। अगर फिर भी आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं। ग्रेवी ठीक होती जा रही है, इसको 2-3 मिनट और हम अच्छे से पकाएंगे। इसको बीच बीच में ऐसे हिलाते रहना आपको। मशरूम पकाते हुए हमें लगभग 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। वैसे इसको 2 मिनट और पकाते हैं फिर भी इसे एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों मशरूम पक चुका है, देखिए गाढ़ा भी हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद क्योंकि ठंडा होते होते इसका मसाला और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद और इसको 2-3 मिनट इसी पैन में इसी तरह रहने देंगे। उसके बाद इसको हम दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। तो लीजिए मशरूम मसाला बनकर तैयार है। इसका रंग भी बहुत सुंदर आया है और खाने में भी बहुत लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है। तो इसे आप भी बनाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।